डीपी3 सिस्टर डिग्री में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस बार हम क्लास 11 फिजिक्स की बुक्स की रिव्यू करेंगे और आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन पेश करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन फॉर द IITs, फॉर द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट या फिर बोर्ड एग्जाम्स आपकी अपनी वो बेहतरीन हो, उसमें आपकी परफॉर्मेंस उम्दा हो और यू विल कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। यही हमारा और आपका दोनों का मिलकर यही मकसद है। आइए इस मकसद की ओर कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो किताबें हैं NCERT, SC वर्मा, SL अरोरा, रेसनिक हेलिडे, अरिहंत DC पांडे, ये सारे ताबड़तोड़ किताबें हैं, बहुत ही बेहतरीन किताबें अपने आप में। शुरू करते हैं सबसे पहले NCERT का रिव्यू। NCERT अपने आप में ये जितने भी CBSE स्कूल्स हैं, CBSE अफिलेटेड स्कूल्स हैं, इसमें NCERT मैंडेटरी है और हम पढ़ रखे ये किताबें, अच्छी किताब होती हैं। लेकिन क्लास 11th में आपको मैं बता दूं कि इसकी केमिस्ट्री पोर्शंस वाकई बहुत अच्छी है, काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में से क्वेश्चन सेटअप किए जाते हैं NCERT की। लेकिन लैंग्वेज की बात करें तो इट्स नॉट दैट ईजी टू कम्प्रीहेंड। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको बहुत ध्यान लगा के और पूरे फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी कंसाइज, काफ़ी कंसाइज किताब है ये NCERT। न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा नहीं है, इलाबोरेट वे में न्यूमेरिकल्स को समझाया नहीं गया है और इससे पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो नहीं सकती, खासकर IITs इवन इन बोर्ड एग्जाम्स के लिए इनएडिक्वेट है। लेकिन हाँ, आपकी जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो थोड़ा बहुत इससे इम्प्रूव हो जाता है फिजिक्स की। SC वर्मा बहुत ही बेहतरीन किताब, बहुत ही बेहतरीन किताब। IIT की HOD कानपुर से है ये SC वर्मा और बहुत ही उम्दा इंसान और उनकी किताब भी उतनी ही उम्दी SC वर्मा। एक टाइम तो ये जब सवाल सेट किया करते थे इन द ईयर 1999 या 2001, 2003, 2004 में, अधिकतर क्वेश्चंस यू वॉन्ट बिलीव फ्रॉम फिजिक्स कम्स फ्रॉम SC वर्मा और बहुत ही आइडियल किताब है। कंसेप्ट इसमें थॉरोली दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है ये किताब पढ़ने के लिए और कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत बहुत ही बेहतरीन है। न्यूमेरिकल्स भी अच्छी हैं, क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बट NET की स्टैंडर्ड के मुकाबले ये काफ़ी हाई स्टैंडर्ड है और IITs की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत अच्छी किताब है ये। न्यूमेरिकल्स में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं है बट लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। तो और ख़ास करके इसकी दो हाईलाइटेड पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। ये जो SC वर्मा की ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छी है, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब ही है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, दो प्रकार के आते हैं, एक तो सिंगल आंसर सिंगल टिक जो करेक्ट होता है और एक होता है मल्टीपल करेक्ट आंसर। आपको मल्टीपल उसमें से जितने ऑप्शन दिए रहेंगे उनमें से दो या तीन करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, आपको टिक करना पड़ेगा। यानी कि आपकी फंडामेंटल शुड बी एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, तभी आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत ही फैंटास्टिक बुक्स SC वर्मा। SL अरोरा ये अभी बहुत ही फेमस, बहुत ही कॉन्टेम्प्रेरी किताब है ये, और ख़ास करके जितने भी CBSE एफिलेटेड स्कूल्स हैं, मैक्सिमम स्कूल्स में SL अरोरा फॉलो किया जा रहा है अलॉन्ग विथ NCERT। SL अरोरा को फॉलो किया जा रहा है। लैंग्वेज काफ़ी मोटी किताब होती है, आपको बल्क है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट बहुत अच्छी दी हुई है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टैकल किया गया है। हाँ, लेकिन IITs के लिए इससे थोड़ी और ऊंची लेवल की आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट सोली डिपेंड अपॉन SL अरोरा, बट इट्स अगेन वन ऑफ वेरी वेरी वन ऑफ द वेरी वेरी फाइन बुक्स ऑफ फिजिक्स। अरिहंत DC पांडे जी अपना कोचिंग चलाते थे, बहुत ही उम्दा टीचर, और वहीं से उन्होंने ये ऑथर है उस किताब की, अरिहंत DC पांडे की, अरिहंत पब्लिकेशंस की। बहुत ही अच्छी किताब ऑब्जेक्टिव्स के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, और काफ़ी कंसाइज है और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले से थोड़े कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप कहीं पे कोई अगर अच्छी कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखा है, अगर ज्वाइन करना भी है तो टॉप 5 में आप ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज डोंट गो फॉर कि टू सेव मनी एंड आपका मनी ऐसे वेस्ट हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बहुत ही अच्छी किताब अरिहंत DC पांडे।
रेसनिक हेलिडे एक बहुत ही फेमस किताब है फिजिक्स की। ओवरऑल हॉलिस्टिक अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है, आपको पकड़ बनानी है फिजिक्स की, और बहुत ही अच्छी। एक इनकी दो तरह की किताबें, एक आईआईटी को टारगेट करते हुए, एक ऑफ टारगेट, क्योंकि ये बाहर के ऑथर हैं तो दे डोंट वरी अबाउट दैट आईआईटी से पार्ट। ये सोली प्योरली फिजिक्स के कंसेप्ट को हाईलाइट करते हैं। अभी तो मैक्सिमम ऑथर्स जो हैं दे ट्राई टू फोकस यू कि आईआईटीज के पॉइंट से, और फिजिक्स की कुछ जो जो बेहतरीन कंसेप्ट्स हैं उनको कंसाइज वे में सिंपली कर लिया जाता है। थोड़ी दुखद बात है, लेकिन उसके बावजूद भी हेलिडे एक बेहतरीन बेहतरीन बुक्स है। लेकिन हाँ, फॉरेन ऑथर है, लैंग्वेज आपको कंप्रिहेंड करनी पड़ेगी, आपको इंडिया जाना पड़ेगा, तभी इस किताब पे आपको बहुत मज़ा आएगा। ओवरऑल आप देखेंगे जितने भी सीबीएसई स्कूल से मैंने आपको जैसे बताया, एनसीईआरटी, एससी वर्मा, एसएल अरोरा, इन तीनों में से कोई भी दो कॉम्बिनेशन आपको एनसीईआरटी तो रखना ही पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एसएल अरोरा, एससी वर्मा, इन दोनों में से आप एक किताब बिल्कुल चुन सकते हैं। लेस इज मोर, ये थ्योरी पे आप भी अमल कीजिएगा, क्योंकि आप सारी किताबें खरीद नहीं सकते और सारे पढ़ने का आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपकी अगर तैयारी आईआईटी की चल रही है तो आप कोई भी एक किताब यहाँ से पिक कीजिए, एनसीईआरटी। अलॉन्ग विद दैट अरिहंत की या दिशा की एक आती है लास्ट 42-43 ईयर्स की जो भी सॉल्व पेपर्स हैं, आप उसे अवश्य लीजिएगा। कोई भी एक टॉपिक अगर आप कंप्लीट करते हैं किसी भी चैप्टर से, अगर फर्स्ट यूनिट लेट से आपने कंप्लीट कर लिया, ऑलवेज आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पास्ट 42 ईयर्स पे आ चुका है, आप वहाँ से पिक करके उसे सॉल्व कीजिएगा, उसके गो थ्रू कीजिएगा बिल्कुल इन डेप्थ। तो रिविज़न भी साथ साथ होते रहना चाहिए आपका। ये रहा फिजिक्स का बुक्स के रिव्यू, आई होप कुछ पर्पज़ आपका सॉल्व किया होगा। हाँ, चॉइस ऑफ बुक्स आप पे डिपेंड करेगा, आप कौन सा किताब प्रीफर करते हैं, लैंग्वेज आप कौन सा कंफर्टेबल है, किस में आप इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप खाली किताब खरीदने से नहीं होगा, दैट यू नो वेरी वेल, आपको अदरवाइज तो सारी जितने किताब की दुकानें हैं, जो किताब की दुकान खोल के बैठे सब आईएएस ऑफिसर बन गए होते हैं, वो उनके पास किताबें बहुत है लेकिन पढ़ते नहीं है। और आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। इसके साथ ही आज का ये सेशन ख़त्म होता है। अगले सेशन में हम लेकर आएंगे केमिस्ट्री की कुछ बुक्स रिव्यू, और देखते हैं आपको जितना ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा सके, यही हमारा टारगेट है। आप फॉलो फुलो और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस थ्योरी पे अमल करो और इमीडिएटली पढ़ने लग जाओ। चलो बाय बाय, टेक केयर।